आगे देखोगे तो आगे आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलेगा। देखो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इसमें पहले मिलेगा उपखंड पहला। उपखंड पहला में जो प्रश्न नंबर पहला है उसमें दो प्रश्न है। पहला है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो दो नंबर इसमें मिलेगा, दो नंबर इसमें, तो टोटल चार नंबर मिल जाएंगे। तो चलो मैं पहला वाला बताता हूँ पहले, फिर इसके बाद दूसरा वाला भी। चलो नोट करो, छोटा कर देता हूं, अब दिख रहा है ना आप लोगों को। पहला वाला लिखोगे कि सामान्य मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु के बीच की दूरियां समंजित कर सकता है। सिलरी पेशी में समंजन क्षमताओं में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। यही ना हमसे पूछा था कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत अच्छे से लिख के लेकर आया हूँ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है, हाँ, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो दूसरा का आंसर यहाँ पे है कि वर्षा के पश्चात या वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदे एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं। बिल्कुल, जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदे जो रहती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं और अपवर्तित बिखरती हैं और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करती हैं, जिसके बाद अंतिम अपवर्तन होता है। फैलाव और आंतरिक प्रतिबिंब का पूरा क्रम आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की ओर जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमने बता दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा आंसर आप लोग नोट कर लो। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें भी दो प्रश्न हैं। पहला है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, दो नंबर के लिए है। इसके बाद है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, यह भी प्रश्न दो नंबर के हैं। तो दोनों हम आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखो उत्तर लिखो दूसरे का, पहला, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। ठीक है, क्या कर लेता है, अभिसारित कर लेता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न था, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो चलो पहले हेडिंग डालो अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में लिखोगे कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम में आता है। चेहरे को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने से चेहरे का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए ना। इसके बाद उसी में आप लोगों को लिखना है दूसरा कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख नाक दांत गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं? तो पहला है कि बाजार व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित तो होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। बाजारों और गलियों में जो हेडलाइट होती है तो उसको देखते हैं दूर तक, उसको रोशनी को फैलाए रखता रात को। दूसरा है कि ट्रकों बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सके। ट्रक ड्राइवर में देखोगे तो साइड में लगा होता है छोटा सा मिरर, पीछे जितनी भी गाड़ियां आएंगी उस छोटे से उनके मिरर में उनका प्रतिबिंब बन जाता है, उनको मालूम चल जाता है कि पीछे कितनी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को अच्छे से? चलिए दूसरा प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी आप लोगों का चार नंबर का है। पहला प्रश्न है कि किसी चार ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए हल करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो क्या दिया है, 4 ओम प्रतिरोध, तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, 4 ओम। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रति सेकेंड मतलब समय जो है टी 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, उष्मा मतलब एच हीट, हीट का वैल्यू कितना दिया है, 100 जूल दिया हुआ है। पूछ कह रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर मतलब वी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला है कि एच बराबर वी स्क्वायर टी बटे के आर, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको हल कर पाएंगे। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 जूल, तो 100 लिख दो। वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर वी का वैल्यू ज्ञात करना है, इंटू टी का वैल्यू कितना दिया, 1 सेकेंड, और आर का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, और वी स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो वी स्क्वायर, और यहाँ से जब वी का वैल्यू निकालोगे तो यह वर्ग में है, इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, वर्गमूल में। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है आपका 20, इधर हो जाएगा वी, मतलब वी वांतर कितना आ गया, 20 आ गया।
मतलब लिखोगे अतः प्रतिरोध के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है, लिख लेना 20 वोल्ट का विभवांतर है, यही आंसर होगा। या लास्ट में लिख लेना कि अतः प्रतिरोधों के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर है, ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अगला प्रश्न जो मेरे प्यार बच्चों है वह है, अगला प्रश्न दिख रहा है ना आप लोगों को, दूसरा कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, ऊपर वाला भी 2 नंबर का था। देखो टोटल 4 अंक दिया ना यहाँ पे, तो देखो ये क्या है 20 ओम प्रतिरोध, तो आर बराबर 20 ओम दिया है, कह रहा है कि 5 एम्पीयर, एम्पीयर मतलब धारा का वैल्यू, आई का वैल्यू 5 एम्पीयर दिया है, टी समय दिया आपको 30 सेकंड, पूछा क्या है ऊष्मा एच, ठीक है, तो एच बराबर मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, एच बराबर एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, और एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी, तो यहाँ पहले वी निकालना पड़ेगा तब जाके इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। सिंपल ये होगा कि डायरेक्ट इसमें रख लो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो एच बराबर आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, आर का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, टी दिया है 30 सेकंड, ठीक है, जब हल करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और द्वितीय 6 600 और 25 6 6 5 30 6 2 12 15 और 2 0 और बढ़ा दो 15,000, ठीक है 15,000 क्या हो जाएगा जूल, बिल्कुल ये आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गया आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर फोर मेरे प्यार बच्चों है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। दूसरा प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, यह भी प्रश्न 2 नंबर के है। तीसरा है कि किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, यह भी प्रश्न 2 नंबर का है। तो हम लोग तीनों का आंसर देखेंगे, ठीक है, आराम आराम से देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे क्या कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है, पहले इसका आंसर देखेंगे, तो चौथे का पहला, ठीक है, चलिए आराम से नोट कीजिए चौथे का पहला। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे का हम लोग पहला उत्तर देख रहे हैं, ठीक है, चलिए क्या है कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है जो संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल आप लोगों को पहला प्रश्न क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए मैं साइड करता हूं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, तो चलो देखते हैं चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को, तो इसका आंसर यहाँ पे मेरे प्यारों आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दूसरे का लिखोगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से गुण हैं। पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं, मतलब वक्र के रूप में होती हैं, इस तरह वक्राकार बनाती हैं। इसके बाद एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, जैसे चुंबक है ना तो वो इस तरह जाता है, इस तरह जाता है, फिर आता है, फिर इस तरह जाता है, फिर इस तरह आता है, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। तीसरा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं क्या होती है, समांतर बिल्कुल होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर हुआ, आगे अगर हम बात करें तो और अगला लिखो गुण इसका। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबकीय की तीव्रता भी कम हो जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं जैसे कम होंगी तो चुंबक की जो तीव्रता होगी, गति होगी, वो भी कम हो जाती है। इसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, एक प्रश्न और इसमें दिया था, 3 प्रश्न दिया था कि किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, तो चलो देख लेते हैं कब अधिकतम होता है। तो तीसरा देखो है कि बाकी क्षेत्र में मतलब बाकी क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या हो जाए, बिल्कुल लंबवत हो जाती है तब, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर ये तीनों प्रश्न अगर नहीं करते हो तो अथवा कर एक ऑप्शन और दिया हुआ कि ये तीनों प्रश्न करके दिखाओ, तीनों नहीं 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। और दूसरा है कि धारावाही परिणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, यह प्रश्न 4 नंबर के लिए, तो टोटल 6 नंबर हो जाएगा। दोनों हम लोग देखने वाले हैं क्या है फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, तो चलो देखते हैं। तो चलो उत्तर लिखो यहाँ पे अथवा, देखो अथवा वाला लिखा हूं, अथवा का पहला उत्तर कि जब सप्लाई वोल्टता का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार में उत्पन्न उष्मा की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, मतलब पी बराबर वी स्क्वायर आर हो जाती है, और यह पिघल जाता है, इस कारण परिपथ का संबंध जो होता है विच्छेद हो जाता है,
संबंध विच्छेद हो जाता है परिपथ का तथा विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। अरे आप लोगों के यहाँ पे लगे होते हैं, आपके हर एक रूम में आप लोगों के लगा होता है, जितने भी घर होते हैं सब में पावर सप्लाई लगा होता है, वो क्या करता है वोल्टता को कम करता है। अगर आपके घर में ज्यादा तेज आ जाएगी लाइट ना, तो पहले फ्यूज जल जाता है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद कोई भी आप लोगों के सामग्री जो होता है घर में नहीं जलता, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, पंखा हुआ, पहले फ्यूज ही उड़ जाता है, लाइट कट जाती है, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद दूसरा है, धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं, परिपथ आरेख भी हम लोग खींचेंगे। देखो दूसरे का उत्तर लिखो यहाँ पे कि जब एक धारावाही प्रणालिका का उपयोग किया जाता है तो अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से शर्तों की? पहला यह है कि परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाना चाहिए जो चुंबकीयकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को क्या करते हैं, बनाए रखे। दूसरा यह कि परिनालिका में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा होनी चाहिए। तीसरा यह कि परिनालिका में घुमावों की संख्या अधिक और सघन रूप से सटी हुई होनी चाहिए ताकि इसके भीतर एक प्रबल समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। तीन हमने गुण बता दिया और उसमें हमसे पूछा था चित्र भी, तो ये चित्र आप लोग बना देना, ये फिगर आप लोगों को उसमें क्या करना है बना देना है। क्लियर हो गया, स्क्रीन शॉट ले लो।